नमस्कार, एक बार फिर साप्ताहिक समाचार संकलन के इस अंक में आपका स्वागत है। पहले की तरह इस अंक की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। भारत एवं पाकिस्तान संघर्ष विराम समझौते पर हुए सहमत। देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 किया गया लॉन्च। नीति आयोग ने तैयार की राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति मसौदा। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई शहरी नवाचार सूचकांक। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की गई मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 को किया गया जारी। फिर वहीं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने जारी की एक और रिपोर्ट जो आधारित है शीतकालीन प्रदूषण पर। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा बरकरार। इसरो ने PSLV-C51 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया लॉन्च। और अल्जाइमर रोग के उपचार हेतु की गई एक नए अणु की खोज। खबरें विस्तार के साथ। हाल ही में भारत और पाकिस्तान नियंत्रण रेखा सहित अन्य सभी क्षेत्रों के संबंध में संघर्ष विराम समझौते का पालन करने के लिए सहमत हुए हैं। यह संघर्ष विराम समझौता वर्ष 2003 के समझौते पर आधारित है। 2003 का सीज फायर समझौता कारगिल युद्ध के 4 वर्ष बाद हुआ था। 2003 के युद्ध विराम समझौते के कारण भारत पाकिस्तान सीमा पर वर्ष 2006 तक नियंत्रण रेखा पर शांति कायम की। लेकिन वर्ष 2006 के बाद से संघर्ष विराम के उल्लंघन की घटनाओं में काफी तेजी आई है। विदेश मामलों के जानकारों के अनुसार हालिया संघर्ष विराम की घोषणा बैक चैनल डिप्लोमेसी के कारण संभव हो पाया है। अगर बात करें बैक चैनल डिप्लोमेसी की, तो इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने तथा विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दो देशों के डिप्लोमेट्स परंपरा से हटकर नवीन रणनीति का प्रयोग करते हैं। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि इधर कुछ महीनों से दोनों देशों के मध्य संबंध सुधारने की दिशा में कुछ पहल भी हुए हैं। जैसे फरवरी 2021 में पाकिस्तानी सेना प्रमुख द्वारा कश्मीर मुद्दे को शांतिपूर्वक हल करने संबंधी प्रस्ताव रखना, पाकिस्तान द्वारा COVID-19 को नियंत्रित करने के लिए दक्षिण एशियाई स्तर पर सहयोग के लिए भारत के 5 प्रस्तावों का समर्थन करना, भारत द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को श्रीलंका दौरे के लिए अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग की अनुमति देना। हालांकि सीमा पर सीज फायर की घोषणा के बाद भी कश्मीर पर दोनों देशों की अपनी स्थिति बरकरार है, लेकिन यह सीज फायर भारत पाक सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए राहत जरूर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर यह संबंधित है सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया है। सघन मिशन इंद्रधनुष या इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 3.0 का फोकस उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर होगा जिन्होंने COVID-19 महामारी के दौरान अपना टीकाकरण नहीं करा पाए। टीकाकरण अभियान देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पूर्व चिन्हित 250 जिलों और शहरी क्षेत्रों में संचालित किया जाएगा ताकि हर बच्चे और गर्भवती महिला का टीकाकरण किया जा सके। क्या है मिशन इंद्रधनुष? तो यह योजना 2014 में देश के सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य 2 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों, साथ ही सभी गर्भवती महिलाओं को 8 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण करना है। ये बीमारियां हैं डिफ्थीरिया, हूपिंग कफ, टेटनेस, पोलियोमाइलाइटिस, तपेदिक, खसरा, मेनिंजाइटिस और हेपेटाइटिस बी। तो ये थी हमारी दूसरी खबर। बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। खबर है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति का मसौदा तैयार किया गया है। इस मसौदे को तैयार करने में नीति आयोग की मदद अधिकारियों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों से बनी एक उपसमूह ने की। आइए जानते हैं कि इस श्रम नीति मसौदे की प्रमुख बातें क्या क्या है। मसौदा नीति 2 दृष्टिकोणों पर आधारित है। पहला, नगद हस्तांतरण, विशेष कोटा और मजदूरों हेतु आरक्षण, और दूसरा, सामुदायिक संस्थानों और उनकी क्षमता को बढ़ाना
तथा उन पहलुओं को समाप्त करना जो किसी व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं। मसौदे में प्रवासन को विकास के अंग के रूप में स्वीकार करने पर जोर दिया गया है। मसौदे के अनुसार सरकार की नीतियों को प्रवासन में बाधक ना होकर आंतरिक प्रवास के अनुकूल होना चाहिए। मसौदे में प्रवासियों की अधिकता वाले राज्यों में आदिवासियों की स्थानीय आजीविका में प्रमुख बदलाव लाने हेतु न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की बात की गई है, क्योंकि नीति आयोग यह मानता है कि इससे कुछ हद तक पलायन कम हो सकता है। श्रम बाजार में श्रम मांग और श्रम आपूर्ति के मध्य के अंतर को कम करने के लिए, साथ ही सामाजिक कल्याण योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस को बनाने का प्रस्ताव भी मसौदे में दिया गया है। इस केंद्रीय डेटाबेस के निर्माण में मंत्रालयों और जनगणना कार्यालय को प्रवासी आबादी के अनुरूप प्रणाली स्थापित करने, मौसमी और चक्रीय प्रवासियों से संबंधित रिकॉर्ड रखने को शामिल करने के लिए कहा गया है। मसौदे में यह सलाह दी गई है कि पंचायती राज, ग्रामीण विकास और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को उच्च प्रवास क्षेत्रों में प्रवास संसाधन केंद्र बनाने में मदद करने हेतु जनजातीय मामलों के प्रवासन डेटा का उपयोग करना चाहिए। साथ ही कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को इन केंद्रों में कौशल निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मसौदे में प्रवासी बच्चों की शिक्षा प्राप्ति को शामिल किया गया है। इसके लिए मसौदे में यह कहा गया है कि शिक्षा मंत्रालय को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रवासी बच्चों की शिक्षा एवं उनका डेटा तैयार करना और प्रवासी स्थानों में स्थानीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रयास करना चाहिए। मसौदे में प्रवासियों के लिए आश्रय स्थल का जिक्र है, जिसके अनुसार आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को शहरों में प्रवास हेतु रैन बसेरों सहित अल्प प्रवास वाले घरों तथा मौसमी आवासों के मुद्दों को संबोधित करना चाहिए। प्रवासी मजदूरों से संबंधित शिकायतों के निपटान व्यवस्था को स्थापित करने की बात की गई है। इसके अनुसार राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और श्रम मंत्रालय को प्रवासी श्रमिकों की तस्करी, न्यूनतम मजदूरी उल्लंघन, कार्यस्थल पर दुर्व्यापार और दुर्घटनाओं हेतु शिकायत निवारण कक्ष एवं फास्ट ट्रैक कानूनी प्रतिक्रियाएं स्थापित करनी चाहिए। कुल मिलाकर नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत यह मसौदा प्रवासी श्रमिकों के मौजूद समस्याओं को दूर करने में सफल हो सकता है, अगर इसका कार्यान्वयन सही ढंग से हो। बढ़ते हैं अपने चौथी खबर की ओर। यह खबर संबंधित है शहरी नवाचार सूचकांक से संबंधित। हाल ही में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी नवाचार सूचकांक को जारी किया गया। इस सूचकांक को जारी करने का उद्देश्य भारत में नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करना है। आइए जानते हैं शहरी नवाचार सूचकांक को विस्तार से। यह सूचकांक राष्ट्रीय स्तर पर शहरों के साथ नवाचारकर्ताओं को जोड़ेगा ताकि शहरों में बढ़ती चुनौतियों के लिए सही समाधान तैयार हो। यह प्लेटफॉर्म समाधानों की खोज, डिजाइन और सत्यापन को आसान बनाने के लिए एक मजबूत, पारदर्शी एवं उपभोक्ता केंद्रित है। यह सूचकांक स्मार्ट शहरी शासन के लिए जरूरी कौशल और क्षमता में बढ़ोतरी करेगा। यह प्लेटफॉर्म शिक्षाविदों और उद्यमों, स्टार्टअप्स के साथ परामर्श करेगा ताकि विचारों का आदान प्रदान व्यवहारिक स्तर पर हो सके। इससे शहर लाभान्वित होंगे। स्थानीय स्तर पर प्रभावी एवं टिकाऊ समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर नागरिकों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि स्थानीय स्तर पर नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी, साथ ही कारोबारी सुगमता में भी सुधार होगा। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने चार खबरों पर नजर डाली है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगली खबर की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट जारी की गई। आइए देखते हैं कि रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या है। रिपोर्ट में इस बात का अनुमान लगाया गया है कि लगभग 8 मिलियन पौधों और जानवरों की प्रजातियों में से 1 मिलियन से अधिक के विलुप्त होने का खतरा बढ़ गया है। कोरल रीफ के संबंध में रिपोर्ट में यह कहा गया कि वार्मिंग के स्तर में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी कोरल रीफ के कुल आच्छादित क्षेत्र को 10-30% तक कम कर सकती है, और यदि वार्मिंग का स्तर 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है तो कोरल रीफ द्वारा कुल आच्छादित क्षेत्र 1% से भी कम होने का अनुमान लगाया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीष्म काल में आर्कटिक महासागर के बर्फ के पिघलने की संभावना बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण के कारण हर साल 9 लाख लोगों की समय से पहले मृत्यु हो जाती है। रिपोर्ट में गरीबी का भी जिक्र है, जिसमें यह बताया गया है कि आर्थिक विकास में असमानता ने 1.3 बिलियन लोगों को गरीब बना दिया है। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना एक चुनौती होगी, यह बात रिपोर्ट में कही गई है। अब एक नजर डालते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पर। तो यह एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है। वर्ष 1972 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है और नैरोबी केनिया में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर संबंधित है सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 से। हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है। आइए नजर डालते हैं रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर। रिपोर्ट में कोरोना महामारी के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 375 मिलियन बच्चों में पैंडेमिक जनरेशन की शुरुआत देखी जा सकती है, जिसके दीर्घकालिक प्रभाव हो सकते हैं। दीर्घकालिक प्रभाव के अंतर्गत कम वजन, स्टंटिंग, शिक्षा सहित कार्य उत्पादकता में कमी को शामिल किया गया है। रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर 500 मिलियन से अधिक बच्चे स्कूली शिक्षा से बाहर हो गए, जिनमें आधे से अधिक भारत के हैं। कोविड ने गरीबी में भी अत्यधिक वृद्धि की है। कोविड-19 के कारण गरीब और अधिक गरीब बने हैं। रिपोर्ट में इस बात की आशंका जाहिर की गई है कि महामारी के चलते 115 मिलियन से अधिक अतिरिक्त लोग अत्यधिक गरीबी की चपेट में आ सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रदूषण का स्तर बिगड़ा है। वर्ष 2009 से 2018 तक भारत में वायु, जल और भूमि प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में स्थित एक गैर लाभकारी सार्वजनिक हित अनुसंधान संगठन या नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर संबंधित है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के शीतकालीन प्रदूषण संबंधी रिपोर्ट पर। हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने शीतकालीन प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2019 और 2020 की शीतकालीन वायु गुणवत्ता के बीच तुलना की गई है। आइए नजर डालते हैं रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर। रिपोर्ट में शीतकालीन प्रदूषण के स्तर पर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची बनाई गई है। इस सूची के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में गुरुग्राम, लखनऊ, जयपुर, विशाखापत्तनम, आगरा, नवी मुंबई और जोधपुर शामिल हैं। सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 23 शहर उत्तर भारत के हैं। रिपोर्ट में प्रदूषण के स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहरों का भी जिक्र है। रिपोर्ट के अनुसार केवल 19 शहरों के PM2.5 स्तर में पर्याप्त सुधार देखा गया। मध्य प्रदेश में सतना और मेहर एवं कर्नाटक में मैसूर देश के सर्वाधिक स्वच्छ शहर हैं। रिपोर्ट में 37 ऐसे शहर का जिक्र है जिनमें प्रदूषण का मौसमी औसत स्तर या तो स्थिर है या उसकी स्थिति में गिरावट है। इन शहरों में औरंगाबाद, इंदौर, नासिक, जबलपुर, रूपनगर, भोपाल, देवास, कोच्चि और कोझिकोड शामिल हैं। वहीं उत्तर भारत में यह देखा गया है कि दिल्ली सहित अन्य शहरों ने ठीक इसके विपरीत स्थिति का अनुभव किया है। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने भी प्रदूषण के स्तर को प्रभावित किया। लॉकडाउन के बाद कई शहरों में प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा गया, जबकि लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद फिर से प्रदूषण का स्तर कोविड-19 के पहले वाले स्तर पर आ गया। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि शहरों के प्रदूषण स्तर में स्थानीय और क्षेत्रीय कारकों का भी बड़ा योगदान होता है। जैसे गंगा मैदानी इलाकों में स्थित शहरों में सर्दियों के दौरान शांत और स्थिर मौसम के कारण प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इस रिपोर्ट में जोर दिया गया कि बड़े शहरों के बजाय छोटे और तीव्रता से विकास कर रहे शहर प्रदूषण के केंद्र के रूप में उभरे हैं। इस रिपोर्ट में प्रदूषण को कम करने के लिए सलाह भी दिए गए हैं। सलाह में वाहन, उद्योग, बिजली संयंत्रों और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार,
और शीतकालीन प्रदूषण को नियंत्रित करने सहित वार्षिक वायु प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया गया। तो अभी तक हमने 7 खबरों पर एक नजर डाली है, बढ़ते हैं 8वीं खबर की ओर। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने आने वाले जून सत्र तक पाकिस्तान को ग्रे सूची में बनाए रखने का फैसला लिया है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स संक्षेप में FATF, तो अब FATF जून 2021 सत्र के दौरान यह तय करेगा कि पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा जाए या बाहर कर दिया जाए। इसके लिए FATF द्वारा पाकिस्तान के मनी लॉन्ड्रिंग एवं वित्तीय आतंकवाद के विरुद्ध किए जा रहे कार्य की समीक्षा की जाएगी। पाकिस्तान को ग्रे सूची में बनाए रखने का जो कारण बताया गया है, वे कारण हैं: पाकिस्तान ने FATF द्वारा तय 27 सूत्री कार्रवाई योजना में से 3 को पूरा नहीं किया है। ये 3 बिंदु हैं: आतंकी फंडिंग के बुनियादी ढांचे के विरुद्ध प्रतिबंध, शामिल संस्थाओं के विरुद्ध वित्तीय प्रतिबंध तथा दंड के संदर्भ में प्रभावी कदम। आइए जरा एक नजर डालते हैं FATF की इन 2 महत्वपूर्ण लिस्ट पर। सबसे पहले ग्रे लिस्ट। इसमें किसी भी देश के शामिल होने का अर्थ है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कार्यों को रोकने में असफल रहा है। वहीं ब्लैक लिस्ट की अगर बात करें तो इसमें किसी देश के शामिल होने का अर्थ है कि उस देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से सहायता मिलनी बंद हो जाती है। आखिर क्या है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल? तो इसका गठन वर्ष 1989 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकी फंडिंग को रोकना है। इसका सचिवालय पेरिस में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में इसरो ने PSLV-C51 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। इन उपग्रहों में देशी एवं विदेशी दोनों ही शामिल हैं। इसरो ने PSLV-C51 या अमेजोनिया 1 मिशन में ब्राजील के अमेजोनिया 1 तथा 18 अन्य उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा है। आपको बता दें कि अमेजोनिया 1 अंतरिक्ष विभाग के अधीन भारत सरकार की कंपनी एनसिल का प्रथम समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। ब्राजील के उपग्रह अमेजोनिया 1 सैटेलाइट की मदद से अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई और ब्राजील में कृषि क्षेत्र से संबंधित अलग अलग विश्लेषणों के लिए यूजर्स को रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान कर मौजूदा संरचना को और भी मजबूत बनाने का काम किया जाएगा। हाल ही में अमेजन के जंगलों में लगी आग के बाद इस उपग्रह की भूमिका पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम होगी। इसके अलावा ब्राजील के उपग्रह द्वारा भेजे गए तस्वीरों से वनस्पति और कृषि क्षेत्रों में भी मदद मिलने की उम्मीद है। इसरो द्वारा लॉन्चिंग के बाद इसका संचालन संयुक्त रूप से चीन और ब्राजील के रिसोर्स सैटेलाइट प्रोग्राम संस्थान करेगा। इस मिशन की अवधि 3 साल 3 महीने है। वर्ष 2021 में इसरो का यह पहला अंतरिक्ष अभियान है। उल्लेखनीय है कि भारत की तरफ से लॉन्च किए गए विदेशी सैटेलाइट की कुल संख्या अब बढ़कर 342 हो गई है। इस मिशन में पहले कुल 20 सैटेलाइट जाने वाले थे, लेकिन इनमें से 2 को कम कर दिया गया। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप पिक्सल ने कुछ दिनों पहले ही यह घोषणा की थी कि सॉफ्टवेयर संबंधी कुछ कारणों के चलते उसका पहला उपग्रह आनंद PSLV-C51 रॉकेट के साथ प्रक्षेपित नहीं होगा। इसरो ने आगे इस बात की भी पुष्टि की कि उसका नैनो सैटेलाइट INS-2DT भी इस मिशन का हिस्सा नहीं होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के PSLV-C51 नामक प्रक्षेपण यान के द्वारा सिंधु नेत्र उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में तैनात किया गया। सिंधु नेत्र उपग्रह सक्रिय युद्धपोतों और व्यापारिक जहाजों की स्वचालित रूप से पहचान करने में सक्षम है। अगर आवश्यकता पड़ी तो यह उपग्रह दक्षिण चीन सागर जैसे विशेष क्षेत्रों सहित अफ्रीकी तट के पास समुद्री डाकू से प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी करने में भी मदद कर सकता है। बढ़ते हैं अपने अंतिम खबर की ओर। हाल ही में JNCASR यानी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के उपचार के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने TGR-63 नामक एक नए अणु को विकसित किया है जो अल्जाइमर के उपचार के लिए उपयोगी हो सकता है। संस्था के वैज्ञानिकों के अनुसार
TGR63 नामक यह अणु अल्जाइमर्स बीमारी में न्यूरॉन के निष्क्रिय होने की प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं। यह अणु कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस या टेम्पोरल लोब में एम्यूलॉइड के बोझ को कम करने में भी कारगर पाया गया है। एम्यूलॉइडोसिस बीमारियों का एक समूह है जिसमें असामान्य प्रोटीन जिसे एम्यूलॉइड फैब्रिल कहा जाता है उत्तक में बनता है। आशा है कि TGR63 अणु दुनिया भर में अल्जाइमर या डिमेंशिया के उपचार में काम आने वाली संभावित दवा का स्थान ले सकती है। अल्जाइमर रोग में व्यक्ति की याददाश्त एवं सोचने समझने की शक्ति प्रभावित होती है। इसमें मस्तिष्क सामान्य रूप में काम नहीं कर पाती है। अब एक नज़र जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च पर। तो यह संस्थान बेंगलुरु में स्थित है और यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। इसे 1989 में स्थापित किया गया था। इस प्रकार इस वीडियो में हमने 10 प्रमुख खबरों को आपके साथ साझा किया। अगर आपको हमारी टीम का यह कार्य प्रशंसनीय लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें इस बात से अवगत कराएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।